वीकेंड का वार देखने के बाद देवोलीना ने आखिरकार क्या कह डाला रूबीना जैस्मिन और निकिता अम्बोली के बारे में, उनके हिसाब से आखिरकार कौन है असली वैम्प। चलिए आपसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं उर्दम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। वेल, अक्सर हमने देखा है जब भी घर में कुछ गलत होता है या किसी के साथ में गलत होता है तो देवोलीना जो है वो सपोर्ट में जरूर सामने आती है। इनफैक्ट हाल ही में वो रूबीना के सपोर्ट में भी सामने आई थी जब भैया लिटिल फिंगर को लेकर बना के दिया था पूरा का पूरा बवाल। खैर, इस बार जो है वो ये कहती नजर आई है कि आखिरकार वैम्प कौन है। वेल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से सलमान खान ने निकिता अम्बोली और जैस्मिन भसीन की क्लास लगा दी है उसके बाद से ही देवोलीना को काफी अच्छा लग रहा है। उनको लगा कि चलो फाइनली सच तो सही आया, कम से कम राखी के सपोर्ट पे सलमान तो नजर आए, और सलमान का सपोर्ट मिलना राखी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर ऐसे में यहाँ पर देवोलीना कहती है कि जिस तरीके से जैस्मिन और निकिता अम्बोली ने किया है, पहली बात तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, दूसरी बात वो ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो रियल लाइफ की वैम्प है। जी हाँ, उन्हें रियल लाइफ वाली वैम्प कह दिया, ना कि रियल लाइफ वाली वैम्प कहा गया है। उन्होंने कहा है कि वो शायद से हर किसी के साथ में इस तरह का बिहेवियर ही रखती होंगी या इस तरह की उनकी रियलिटी है, उनकी पहचान है, इसीलिए वो इस तरीके से नजर आ रही है। अब देखो यहाँ पर देखो किसकी क्या रियलिटी है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। जैसे कि रूबीना ने इस बात को भी कहा कि आप लोगों के आने के बाद हमें पता चला कि फुटेज के लिए भी कई सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब क्या निकिता अम्बोली कह लीजिए या फिर आप जैस्मिन भसीन कह लीजिए, कहीं ना कहीं वो ये भी जवाब दे सकती कि देखो अंदर क्या चल रहा है, अंदर किस तरह से फुटेज लेनी है, इस बात के लिए कहीं ना कहीं जो है वो सोचना पड़ता है। और यकीन मानिए, भले ही कुछ भी हुआ हो, जैस्मिन और राखी सावंत को फुल ऑन फुटेज मिली है। बिग बॉस मेकर्स चाहते तो इस मुद्दे को कन्फेशन रूम में बुलाकर उसे खत्म कर चीजों को खत्म कर सकते थे, लेकिन अगर बिग बॉस ऐसा कर देते तो सलमान खान वीकेंड के बार पर क्लास किसके लगाते, वीकेंड के बार पर सपोर्ट किसका करते और वीकेंड के बार पर इतना बवाल कैसे होता। अगर आप लोग भी अग्री करते हैं इस बात से तो राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देवोलीना ने जो कहा है क्या आप उससे अग्री करते हैं या नहीं, वो भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।